ड्राइंग हमें रिलैक्स करने में मदद करती है और हमारा अपना अनुभव भी साबित करता है कि इसकी मदद से आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा टास्क कहाँ है? Yeah. अपना समय ले लो, सब कुछ जल्दी शुरू होने वाला है। तुम्हें यह क्राउन कैसा लगा? मुझे इसे पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इसका रंग मुझ पर सूट करेगा। इस तरह के क्राउन पहनने से तो कोई भी राजकुमारी बन जाएगी। मैं तुम्हें इसके लिए लड़ने की सलाह देता हूँ। जल्दी करना होगा, क्राउन मेरे पास ही आना चाहिए। इसके बारे में सपने में भी मत सोचो लिली, क्राउन मेरा होगा। मुझे यकीन है कि मैं एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। तुम सही रंगों का उपयोग नहीं कर रही हो, तुम्हें लाल रंग लेना चाहिए। और मेरी राय में हरा रंग भी सही है। इस तरह क्राउन ओरिजिनल लगेगा। ओह, क्या बकवास है, यह भयानक है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है, लेकिन मेरे पास है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा था कि मेरा काम सबसे अच्छा होगा। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं भी क्राउन चाहती हूँ। मैं अपनी ड्राइंग बहुत बड़ा सा बनाऊंगी। अगर मुझे ओरिजिनल क्राउन नहीं मिला तो मैं इसे पहन लूंगी। आखिरकार समय आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब अपना अपना काम दिखाने का समय हो गया है। मुझे अपने काम पर शर्म नहीं आती। एमा, यह क्या है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। वाह लिली, एकदम बढ़िया, धन्यवाद। बेला, ये क्या बनाई हो, इसे देखकर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। विजेता स्पष्ट है, यह लिली है। धन्यवाद, मेरा सपना जल्द ही सच होगा। पहले शुरू करने वाला हमेशा भाग्यशाली होता है। और ये रहा तुम्हारा क्राउन, लिली पहन कर देखो। कितना नया लग रहा है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तुम्हें मेरा नया आउटफिट कैसा लग रहा है? यह ठीक नहीं है। शायद मैं भी अपने क्राउन की बदौलत बदल जाऊंगी। यह क्या है, एक कागज की ड्रेस? यह नहीं हो सकता, ये कैसा बेकार दिख रहा है। इससे तो क्राउन ना पहनना ही बेहतर होगा। अहमा सही कह रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, कितने रंग बिरंगे पेंट्स हैं। क्या हो रहा है, टेबल क्यों हिल रही है? कितना मुश्किल है, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ पकड़ा हुआ हूँ। ओह, लगभग पहुँच गया, अब इसे टेबल पर रख सकता हूँ। अब जान में जान आई। क्या तुमने कभी इतना बड़ा स्नीकर्स देखा है? यह बहुत अच्छा लग रहा है। बचाओ, क्या लैंडिंग है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस एक सेकंड में हम शुरू करेंगे। अब मैं घड़ी लाता हूँ, और ये रहा, चलो शुरू करते हैं। मैं इस विशाल स्नीकर्स को लेना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करना। यह सही रंग है, शुरू करते हैं। आउटलाइन बनाना चाहिए, यह तो बेस होगा ड्राइंग का। मेरी राय में मेरी स्नीकर्स छोटी है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी जेब में कहीं ना कहीं एक पैकेट है, बस इसे कागज पर चिपका देती हूँ। कोई भी इस काम को ओरिजिनल से अलग नहीं समझेगा। आखिरकार मैं एक असली बैड जीनियस हूँ, यह अच्छा लग रहा है। लिली, बहुत ही चतुराई से तुमने सोच लिया। सूजी ने मुझे सरप्राइज करना कभी बंद नहीं किया है, हमें इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरे कंपटीशन के मूड में हूँ। मुझे लगता है मेरी ड्राइंग को जीतने का पूरा अधिकार है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं निष्कर्ष पर नहीं जाती। इस काम को देखो, यह एकदम सही है। लिली सही है, उसकी ड्राइंग अच्छी लग रही है। एमा, तुम्हारे पास इसे बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं है। अरे नहीं, पेन कागज पर लीक हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे कुछ सोचना होगा, यह दाग किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता। ओह, कितने दुख की बात है, लिली अब नहीं जीत सकती। मैं इतना थक गया था कि मुझे थोड़ी नींद आ गई। आओ देखिए कि अब कितना समय बचा है। ओह, यह लगभग समाप्त हो गया है, मैं समय पर कैसे जाग गया। सब रुक जाओ, मुझे ड्राइंग दिखाओ। समय हो गया, अच्छा मैं तैयार हूँ। यह मेरी ड्राइंग है, असली जैसी दिख रही है ना? ये चिपके हुए रैपर की तरह है, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे दिखाओ, मुझे करीब से देखने दो। अरे मैं पकड़ी गई। सूजी, तुम्हारी ड्राइंग डिस्क्वालिफाई हो गया है। मेरे साथ एक फनी दुर्घटना हुई थी। इन
बहाने को मत सुनो, यह सबसे अच्छी ड्राइंग है। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ एमा, स्नीकर्स तुम्हारा हुआ। जल्दी इस जगह को खाली करो, मुझे इसे टेबल पर रखना है। बहुत अच्छा, मैं लेकर आ रहा हूँ। ओ यार, यह तो बहुत बड़ा है। अपना सिर नीचे करो, मैं इसे गिरा सकता हूँ। बहुत अच्छा, मैं एक टुकड़ा ट्राई करना चाहती हूँ। मैं अभी खाने के लिए तैयार हूँ। इसके बारे में सोचो भी मत लिली, यह मेरा स्नीकर है, मैं इसे खुद खाऊंगी। अच्छा होगा कि तुम इसके रैपर हटाने में मेरी मदद करो। धन्यवाद, अब इसे टेबल पर रख दो। एमा, अपने दांत मत तोड़ो। इसे छोड़ना वास्तव में आसान नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि क्या करना है। इसमें आरी मेरी मदद करेगा, उसकी मदद से मैं स्नीकर्स को आसानी से टुकड़ों में काट सकती हूँ। चलो चलते हैं, मुझे शुभकामनाएं दो। ओह कितना कड़ा है, एक बार और ट्राई करना होगा। सावधान एमा, सभी टुकड़े हम पर उड़ रहे हैं। ओ, मुझे माफ करना, इसके बिना यह काम नहीं करता। कितने बड़े टुकड़े हैं और अभी भी बहुत कड़ा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। लिली, क्या हम एक टुकड़ा ले सकते हैं? नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत। ओह माफ करना, मैं ड्राइंग में व्यस्त हो गया था और तुम्हारे बारे में पूरी तरह से भूल गया था। क्या तुम उस भयानक गंध को सूंघ सकती हो? अरे नहीं, मुझे बताओ कि ये झूठ है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सच में अच्छा सरप्राइज नहीं है। यह मोल्ड के साथ बदबूदार चीज का एक टुकड़ा है, जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे यह मिलेगा। ओह तो मुझे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक बदबूदार चीज नहीं जीतना चाहती, इसलिए मैं कुछ भी ड्रॉ कर दूंगी। बस मेरा काम तैयार है। मुझे लगता है कि चीज का एक सुंदर टुकड़ा बनाना काफी आसान है। मूर्ख लिली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्यों कोशिश कर रही है। सभी ने कुछ बकवास क्यों की है? हाँ समझ गई, हमें अभी हारने की कोशिश करनी है। खैर ये मुश्किल नहीं है, बस अपनी ड्राइंग को पेंट से भर दो। अरे नहीं, पेंट गलती से गिर गया। हाँ बुरा नहीं लिली, लेकिन मैं इसे और भी खराब कर सकती हूँ। मैं बस शीट पर एक पीला सर्कल बनाऊंगी और बस। मुझे नहीं लगता था कि बेला इतनी चालाक है। आशा करते हैं कि उसके काम को अभी भी हमारे से अधिक सराहा जाएगा। समय खत्म हुआ, अपने चित्र दिखाने का समय आ गया है। मुझे माफ करना, लेकिन आज मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है और मैंने गलती से पेंट गिरा दिया। मेरा काम चीज की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन ये शानदार है बेला, ये तुम्हारा यूनिक आर्ट है। क्या क्या तुम सच में कह रही हो या मजाक कर रहे हो? तुम्हें बधाई बेला। अरे नहीं, मैं उस भयानक चीज को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती। जल्दी करो प्लीज, हमें यह गंध पसंद नहीं है। ओ माफ करना, लेकिन मैं इसे नहीं संभाल सकती। हमारा नया पुरस्कार कहाँ है? ओ मेरे पेट में कुछ हो रहा है, हमें एक अच्छा खाना चाहिए। देखो मैंने कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। वाह, मैं इसे खाने से मना नहीं करूंगी। बस इसे सूंघो, एक शानदार सुगंध। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। ठीक है बातें बंद करो, यदि तुम इस बर्गर को लेना चाहती हो तो काम पर लगने का समय आ गया है। वाह, समय पहले ही शुरू हो चुका है, हमें वास्तव में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? मुझे लगता है भूरा एकदम सही है। उसकी मदद से मैं एक टोस्टेड बन बनाऊंगी, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे बेकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ ये बहुत अच्छा निकला। बहुत कम समय है, इसलिए मुझे एक साथ कई पेंसिलों का उपयोग करना होगा, नहीं तो मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं होगा। लगता है अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं और रंग जोड़ूंगी और अब मैं फीलिंग बनाऊंगी। यह कितना अच्छा निकला, मेरा बर्गर एकदम सही है। मुझे यकीन है कि यह पुरस्कार मेरा ही होगा। कल्पना करो कि कितना बड़ा और रसदार है, इसके बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मुझे कितनी भूख लगी है, मैं सचमुच भूखी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी ड्राइंग को गीला कर दिया, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। ओ यह और भी बुरा हो गया, कागज फट गया है। बस अब मेरे पास कोई भी मौका नहीं है। चिंता मत करो सूजी, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि यह बर्गर कितना स्वादिष्ट था, अगर मैं जीतने में सफल रहती हूँ।
हेमा की ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। बन काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फीलिंग अभी नहीं है। बस समय खत्म हो गया, अपनी पेंसिल नीचे रखो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। नहीं, मैं ये नहीं दिखा सकती। चलो सूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदी थी सूजी, ये अफसोस की बात है कि तुम उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। तुम मेरे बर्गर के बारे में क्या कहते हो? यह भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। तो सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है, जीत मेरी है, क्या यह सही नहीं है? मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है एमा। हाँ, बर्गर तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह कितना विशाल है। तो क्या तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकती हो? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है, मेरा विश्वास करो। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इतना खा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्नैक, मुझे डेजर्ट से भी एतराज नहीं होगा। एमा, तुम्हारा पेट फटने वाला है। सही बात है, हमने रिलैक्स किया और पुरस्कार प्राप्त किए, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। अब अलविदा कहने का समय आ गया है, नई चुनौतियाँ रास्ते में है, इसे मिस मत करिएगा।